आगे से थोड़ा सा लेफ्ट राइट लीजिए. एक साथ लेफ्ट राइट कौन लेता है? अरे डायरेक्शन और कोरियोग्राफी दोनों साथ में कर लेते हैं. तो क्या हम कुछ बोले? चलिए कोई बात नहीं, उतर जाते हैं. आइए आइए. वैसे भी हमारी डेस्टिनी आ गई है. ए डेस्टिनी नहीं, डेस्टिनेशन होता है. लेकिन हमारी तो डेस्टिनी है यहाँ. ये कौन है? नहीं सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कौन? ये कौन? okay, okay. पहले रेमो सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. रेमो सर आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है. रेमो सर एक बात बताइए, आपकी सारी फिल्में हिट जा रही हैं, तो आप ये ट्रैक्टर क्यों खींच रहे थे? मैं एक्चुअली सिद्धुपा जी ये दोनों मुझे छोड़ के आ गए थे. मैं वहां भटक रहा था. मैंने इनसे बोला कि मुझे यहाँ जाना है, खुद पीछे बैठ गया. मेरे को यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ. और इनको मैं वही सोचूं यार, इतना बड़ा ट्रैक्टर, उनको ट्रैक्टर खींचने की क्या जरूरत है? ए झूठा है. और पहले तो आप जरा अपना एडुकेशन ना, बचपन में थोड़ा अपने शरीर में घुसड़े होते तो आपको पता होता कि ये ट्रैक्टर नहीं है, रिक्शा है. मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ. रिक्शा के ऊपर ट्रैक्टर क्यों खींच रहे थे? हम ट्रैक्टर हैं, हम पे से क्या फट 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 की आवाज आती है. तुम खुद ही क्लियर कर रही हो तुम्हारे कहाँ कहाँ से क्या क्या आवाज आती है. पागल कहीं की. एक एक काम कीजिए, हम रिक्शा में आपको यहाँ पर लेके आइए. चलिए रिक्शा का भाड़ा निकालिए, 2 लाख रुपया. हेलो. हेलो, हाय, हाउ आर यू? शट अप. ये बहुत भोली, ऐसी नहीं जाएगी. इसके मुंह पे एक गर्मा गर्म फ्लाइंग किक मारी ना. एक मिनट रुकिए, ये आदमी को हम जानते हैं. ये लड़की को आंख नहीं मारते, फ्लाइंग किक क्या मारेंगे. तो बहुत ही सीधे साधे आदमी हैं. इनका नाम तो टाइगर श्रॉफ नहीं, टाइगर शरीफ होना चाहिए. और जितना तुम 16 तरफ से बढ़ रही हो ना, तुम्हारा नाम संतोष नहीं असंतोष होना चाहिए. देखिए हमारे साइज से हमको खुद को जितना प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम आपको है. ऐसा क्यों? हम क्या अपना पेटीकोट सिलने के लिए दिए हैं आपको? साइज 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 लगा रखे. अरे संतोष तुम खड़ी क्यों हो? भागो ना यहाँ से. क्या तरीका है बात करने का? अरे मैंने कहा आप खड़ी हैं, भाग लीजिए थोड़ा. अरे क्यों भागे हैं? देखिए यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं. वही तो बोल रहा हूँ. रेमो सर आइए, रेमो सर को चेयर पे नहीं बैठना, उनके प्रॉब्लम है. आइए आप बीन बैग पे बैठिए, आइए चलिए उधर. आपको इसलिए कहा था, आप रिक्शा में बिठा के ले आइए उसको. पर आपको बताएं, हमने ना बैली डांसिंग सीखे हैं. दिखाएं आपको. पहले ये ट्रैक्टर पीछे करो आप. बैली डांसिंग. अभी तो इसने नॉर्मली किया है, कभी जोर से करती है तो फाड़ के निकल जाता है. बैली डांस कौन सा आता है आपको? ए देखिए. ये बैली डांस है? ये तो बैल डांस हुआ ना. ये तो बैल थक गया यार, जूस निकालते निकालते. ये क्या है, अपने दिमाग में मुक्का मार के खुद ही टेढ़ी हुई जा रही. इसको बैली डांसिंग नहीं कहते हैं? अरे तो लगता है वो दामोदर डांस अकेडमी हमें कुछ गलत सिखा दिया. चलिए चलिए, जाने से पहले एक सोशल संदेश देना चाहते हैं. टाइगर जी आप जरा इधर आएंगे. देखिए टाइगर जी, ये सच है कि आप दाढ़ी में बहुत अच्छे लगते हैं. थैंक यू. लेकिन बिना दाढ़ी के आप बहुत क्यूट लगते हैं. धन्यवाद, थैंक यू. इसीलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज शेव द टाइगर. चलिए हम चलते हैं. थैंक यू. ओके जी, नमस्ते नमस्ते. बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर. थैंक यू. हम अपना रिक्शा लेकर जा रहे हैं. एक बार रेमो सर चेक किया, टाइगर के लिए जोरदार तालियां. आइए सर. एक बात सुन, इस बार बात पक्का हो जाना चाहिए, ठीक है? लड़का तो हैंडसम है रे. माय सेल्फ रिंकू देवी. हाय
Hello. Hello. Hi. Myself, Rinku Devi. Sister-in-law, Santosh. Himself. And Siddhiji. He's without self-respect, this man. Kanishka, Bradley, Santoshli. इतना क्यों शर्मा रही है पागल मत शर्मा इतना क्या स्माइल कर रही है अरे तब क्या करें मर जाएं नहीं ऐसा नहीं स्माइल और मिस कॉल उसको देना चाहिए जिसको तुम चाहते हो ठीक है शी इज इन लव विद यू बहुत ज्यादा इसके अंग अंग में आपके लिए प्यार बसा है पता है बात पक्की हो जाएगी वो कुछ भी बोलते रहे बात पक्की हो जाएगी आज तो चर्बी के लिए तो जगह नहीं प्यार कहाँ भरा पड़ा इसके ऐसी बातें कर रहा आपको शायद पता नहीं है इन्हें इंडियन लड़कियां पसंद है और हम तो कतई जरूरत से ज्यादा इंडियन हो रहे हैं नहीं तनिष्ठा जी हम बताते हैं हम तो इतने इंडियन है कि वेस्टर्न पॉट पे भी नहीं बैठते इसलिए नहीं बैठते फिट नहीं आती तू देखो इनको एक ऐसी इंडियन लड़की चाहिए जिनको इंग्लिश भी आती हो आपका काम नहीं बनेगा कमाल का बात कर रहे हैं इंग्लिश नहीं आता क्या बात कर रहे हैं अरे हमको इतना इंग्लिश आता है जितना खुद इंग्लिश को नहीं आता है अरे आई विल टेल यू झाड़ी दे रहे नो यू जस्ट की मेक हिम रेडी फॉर वेडिंग दिस इज बिंदी वेयर विल यू पुट कपिल मेरी आंखों के सामने ये कैसे हो सकता है चलो कम से कम तैयार कर ले प्यार कर ले पहना दो बैंगल अरे दो उंगली में भी टाइट आ रहा है खा जा इसको ये पहना दो हेलो आओ इसका इधर भर दो इधर अच्छा दामाद जी मिले हैं इनको पता भी नहीं इनका ब्याह हो गया happy married life thank you India में if you put लाल here your husband hey ये by mistake हुआ ऐसे थोड़ी ना मैं मेहमान को पागल बना रहे हो आप अब शादी हो गई है तो हो गई है हो गई है अभी विदाई होगा बस सुन ऑस्ट्रेलिया जाते ही फोन अरे करूंगी ना बिल्कुल नहीं करना कभी नहीं करना बिल्कुल करने की जरूरत नहीं विदाई हो रहा है हाय तू बिल्कुल नहीं याद आएगी मुझको चलते चले हमको
रिंकू देवी कहते हैं। हाँ जी, नमस्ते। और जो सामने बैठे हैं सिद्धू साहब, वो हमको जब अकेले में मिलते हैं ना तो हमको सेक्सी सेक्सी कहते हैं। अच्छा, सिद्धू जी। और इनको तो सब चिकनी चमेली कहते हैं, आपको हैंडसम हंग कहते हैं, और वो जो बैठे हैं वहाँ पे वो कुछ भी कहते हैं, लोग हंसते रहते हैं। रिंकू भाभी, आज इधर कैसे आप? हम बदला लेने आए हैं। किस चीज का? हमारे जो हस्बैंड है ना, उनके सपने में कटरीना कैफ आती है रोज, तो हम सोच रहे हैं उनके सिद्धार्थ के सपने में आएंगे तो बदला ले लेंगे उनसे। क्यों, बच्चे को डरा रहा? बच्चे होंगे आपके लिए, हमारे लिए तो भरे पूरे मर्द हैं वो। अरे वाह। उनका जब पिक्चर आया था ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसी वक्त से सोच लिया था इनके प्रिंसिपल बन के रहेंगे हम। हाँ, देखो रिंकू भाभी, आप प्रिंसिपल मत बनो, आप मुझे एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम शूट करना है, आप होस्ट बन जाओ। मुझे कहीं जाना है, मुझे थोड़ा काम है। अच्छा, आप होस्ट बन जाओ, ठीक है? हमने कभी किया ना। अरे कौन भैल करोड़पति नहीं देखती है आप? देखती हूँ, सिटी केबल पे जो आता है उसमें पार्टिसिपेट किया, आप होस्ट वैसा किया नहीं। तो कोई बात नहीं, आज होस्ट करिए, जल्दी जल्दी लेके आइए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी केबल का प्रोग्राम कौन भाई करोड़पति में। और इधर हमारे साथ हॉट सीट पर बैठे हुए हैं सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया। अगर आपको बैठने में तकलीफ हो रहा हो तो हमारा गोद में भी आकर बैठ सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, अगर बैठ सकते हैं। और इधर हमारे साथ बैठी हुई है कटरीना कैफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाभी जी, आप खुश नहीं है क्या? क्या हुआ बताइए, मतलब आपकी आवाज से ऐसी फीलिंग आ रहे हैं मुझे, लेकिन अब जैसे आप, आपका हीरो होता है बहुत हैंडसम हैंडसम, हमारा हीरो देखेंगे तो जीरो से भी नीचे है, माइनस में है। हम तो अपना जिंदगी कैसे निकाल रहे हैं आपको पता नहीं है। बहुत मुश्किल जीवन है हमारा। वैसे भी आपका हस्बैंड कहाँ है इस वक्त? और लेटा होगा घर पे, बैठा रहता है, सुबह कारखाना जाता है, 4 बजे कुंडी खोल के वापस घर पे आ जाता है। कुंडी खोल के? तो आप जब जाती है तो कुंडी बंद होता है? किसका? आपका? हमारा नहीं, कारखाना का कुंडी खोलता है। अच्छा, गेम का रूल हम आपको बता देते हैं जी। बहुत ही सीरियस गेम है कौन भाई करोड़पति। अब गेम का रूल है, इसमें आपको 4 पाइपलाइन मिलेगा, पहला मिलेगा पाइपलाइन पाइपलाइन रहेगा 4। अच्छा, एक नीचे है वो आपको मिलेगा ना, यूज कर सकते हैं। क्या लाइफलाइन की बात कर रहे? अच्छा, ऐसा है। चलिए एनीवे, अभी हम लोग आपको बता देते हैं 4 जो लाइफलाइन का पाइपलाइन जो भी है वो है। ऑडियंस पोल है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आंसर का लायबिलिटी टेस्ट है। अच्छा अच्छा, तो आप अपना ही रिस्क पे खेलिएगा। ओके, या बिकॉज हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है आज। अरे मैं ये जो तुमने बात कही मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब इतना बड़ा एक्सपर्ट आपके सामने खड़ा है और कह रही एक्सपर्ट ही नहीं है, तुम्हारे मुंह को जेल होनी बनती है। हेलो सिद्धार्थ, मैं बहुत आपका फैन हूँ। अरे शुक्रिया कटरीना, मुझे तो आपका कैफ बड़ा पसंद है। मतलब मुझे मोहम्मद का कैफ इतना पसंद नहीं है, कटरीना कैफ पसंद है। जितने साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा लग रहा है, आप अपनी तरफ देखिए ना कैसा लग रहा है, टोपी पहन के खेल में आए हैं आप। तू भी तो साड़ी पहन के आई है। मैं सिद्धू साहब आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मैं बता ही नहीं सकता, मैंने बताने नहीं, जाओ जो करना कर रहे। आपको याद है आपका मैच था 1990 में? अच्छा, भारत पाकिस्तान का मैच था, आपको वकार यूनुस ने 0 पे आउट कर दिया। मेरे को वकार यूनुस की वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने इसी चक्कर में मैंने आज तक नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया। एक मिनट, कैसा एक्सपर्ट है आप? मैं सिद्धू साहब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, इनको पता ही नहीं है। मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, मैं चलती बस से उतर जाता हूँ। मैं क्योंकि स्टॉप पे उतरो पैसे मांगते हैं। मैं गालियों में इतना एक्सपर्ट हूँ, आप यकीन करें, मैं पहाड़गंज में रहता हूँ। हाँ जी, शाहदरा से बच्चे आते मेरे से गाली सीखने। इतने बदतमीज, मैं उनको गाली सिखाता हूँ, मैं पैसे मांगता हूँ और गाली मेरे को दे जाते हैं। बाकी मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ आपका कटरीना जी। मैं अगर मैं कमली कमली आरती कमली बहुत ज्यादा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, कमली या ज्यादा ली हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं, अब हम गेम खेलेंगे। ये क्या, ये किसके लिए?
यार मैं बचपन में मेरी माँ सीटी मारती थी, मैं सुसु करता था। तो मैं आधे घंटे से मार रहा हूँ, होने जा, मेरी माँ ने पागल बनाया मेरे को। तो चलिए हमारे बीच में एक्सपर्ट आ गए हैं और इनका नाम है मिस्टर राजेश अरोड़ा। अरोड़ा कम हमारी राह में रोड़ा ज्यादा है। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। और उसके लिए आप तैयार हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। आप लोग तैयार हैं, लेकिन हमको अपना चेक करना है जरा। अच्छा, टैक्सी तो हम हैं, मान गए। अरे मेरे मेरे मन में एक बात आ रही थी, मैं रोक नहीं पाया। हाँ। तुम जितनी मर्जी बिंदी सेट कर लो, वरना मुंह खराब ही लगेगा। नितिन साहब, मैंने एक बार बीमार लोमड़ी देखी। हाँ। आप यकीन नहीं करेंगे, उसका मुंह इससे ज्यादा सुंदर था। अच्छा, दिल्ली में मेरा कुत्ता जॉर्ज, वो मेरे साथ रहता है। मैं दोनों साथ में टीवी देख रहे थे, शाम को मेरी ड्रिंक वगैरह उसके साथ मैं ले लेता हूँ। वो बड़ा कुत्ता है, वो चुपचाप बैठा था, ये टीवी पे ही भौंकने लगा। उसको बिल्कुल नहीं पसंद आया इसका मुंह। बिल्कुल पसंद आया अभी। हम कुत्तों का मुंह दिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ है इधर। बहुत अच्छी बात है। हम इधर टीवी पे आ रहे हैं, सब जनता का मुंह दिखा रहे हैं। पहला सवाल पूरा 50 लाख रुपया के लिए। पहला सवाल 50। 50 लाख रुपया कौन देगा? अच्छा। मुझे बात ना, मुझे समझ में नहीं आई कि ये सवाल पहले से घटिया था कि तुम्हारे मुंह से निकलने के बाद हुआ। मुझे तुम्हारा सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगला सवाल पूछो। आप एक्सपर्ट हैं, बीच में पट पट मत बोलिए, समझे आप? यार एक बात मैंने भी बोली, मुझे तुम बहुत पसंद आए यार, मेरे बहुत पसंद आए। बहुत पसंद आए। चलिए अगला सवाल है पूरा 75 लाख रुपया के। वाह 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 वाह, क्या सवाल है। सिद्धार्थ और कटरीना, ये बताइए कि हनीमून के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? आपका ऑप्शन है ए शादी, बी मूड, सी मौका, या डी पार्टनर। सब जरूरी है। कुंडी कुंडी, दरवाजा बंद और कुंडी। अगर आप चाहें तो देखिए, बहुत लंबा 75 लाख रुपया का सवाल है। हाँ। आप एक्सपर्ट का राय ले सकते हैं, लेना चाहें। एक्सपर्ट का राय ले इसके बारे में? देखो बड़े राय है ऐश्वर्या का, मेरा रोड़ा है, लेना तो ले लो। चलिए चलते हैं हम अगले राउंड की तरफ। राउंड लिया है। अगला सवाल है पूरा 3 करोड़ रुपया के लिए। सीख रहा है, सीख रहा है। सवाल मैथमेटिक्स का है। ओह, गणित का सवाल है। हाँ जी। कितने में से कितना निकालेंगे तो 0 बचेगा? कितने में से कितने से कितना निकालेंगे, सबट्रैक्ट करेगा तो 0 बचेगा। 0 बचेगा। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन भी हैं हमारे पास, 4 हैं। कुछ कुछ में से कुछ, बी थोड़े में से थोड़ा, सी बहुत में से बहुत, या डी सब में से सब। सब में से सब। फोन ऑफ फ्रेंड। नहीं, गलत है। सब में से सब निकाल दोगे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कहाँ आएगा? मुझे तुम्हारा लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगले सवाल में हमको ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अगला सवाल हमारे बारे में ही है। अच्छा अच्छा, बोलिए। आपका सवाल है कि हम कौन सा कपड़ा पहने तो कटरीना से ज्यादा सेक्सी लगेंगे। आपके ऑप्शन है ए 3-पीस सूट, बी शेरवानी, सी प्लाजो। प्लाजो 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 होता है ना, प्लाजो। कितना हो, डी हो गया था? नहीं, सी हुआ। डी मिनी स्कर्ट,
मिनी स्कर्ट ई उससे भी मिनी स्कर्ट एफ उससे भी ज्यादा मिनी स्कर्ट आओ ई बहुत ज्यादा वो वाला पैंट अच्छा शेमलेस जीन्स मतलब शेमलेस जीन्स जी बैकलेस ट्राउजर पूरा ऑप्शन सुनिए जी के बाद क्या आता है एफ एफ तो हो गया था ना एच एच जी के बाद हमारा सिर्फ एबीसी में प्रॉब्लम है एच बैकलेस ट्राउजर किसमें ज्यादा सेक्सी लगेंगे और ऑप्शन दे जेड तक ऑप्शन मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत ज्यादा ऑप्शन दे दिए ऑप्शन होते चार हाँ दे दिए 3500 इतने ज्यादा ऑप्शन आप दे रहे हैं हमको कुछ भी करके सेक्सी दिखना है बस कटरीना से ज्यादा हमारे पास नहीं बर्दाश्त कर सकते लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे मैं कैसे भी नहीं मानूंगा बेटे नहीं आपको मानना पड़ेगा हम ऑडियंस पोल लेंगे हम और यहाँ पे कटरीना जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ डांस वांस करके दिखाएंगे ऑडियंस हमारा फैसला करेगी कौन ज्यादा हॉट है ठीक है ठीक है तो हम डांस करेंगे जो भी जिसको मूवमेंट में अच्छा लगा वो बता दे मैं आपको एक बात बताता हूँ मैंने सिद्धू साहब आप यकीन नहीं करेंगे मैंने सीक्रेट की बहुत फिल्में देखी हैं हालांकि उसमें स्टोरी वगैरह कुछ नहीं होती पर मजा बड़ा आता है पर उसमें इतने गंदे गंदे एक्टर होते हैं पर फिर भी आदमी देख लेता है लेकिन तुम्हारा मुंह मुझे पसंद नहीं आया बहुत ज्यादा मैं कहता मैं दिल्ली तुम इधर एक्सपर्ट बनकर राय देने आए हो या हमारे मुंह के बारे में हिस्ट्री का चैप्टर बताने आए हो तुम हमसे आप बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं हम जा रहे हैं यहाँ से छोड़ कर सब कुछ आप बोल रहे थे हमारा मुंह ऐसा क्यों रहता है हमारे मोहल्ले में ऐसा लोग रहता है इसलिए हमारा मुंह ऐसा रहता है हम यहाँ से जा रहे हैं हमको नहीं खिलाना खेलना है करोड़पति हमारा दिल बैठ गया है हमारा दिल बैठ गया है बहुत मुश्किल है जीना हमारा हमारा घर में एक बेडरूम है इधर हम सोते हैं इधर हमारी ननद सोती है इधर हमारे पति सोते हैं बच्चा कैसे होगा बताइए आप टेंशन मत लीजिए आप टेंशन मत लीजिए कुंडी हो भी तो क्या करें कुंडी बीच में है ना कुंडा हमारा नाना क्या करेंगे कुंडी का जिंदगी खराब हो गई है एक्सपर्ट जी से पूछिए क्या करेंगे सारा दिन हस्बैंड घर पे रहता है दो मिनट बाहर जाए आदमी आराम कर ले ना घर पे सिर पे दाल गलता है हमारा हमारे हस्बैंड का कर्नाटक का प्लेस अच्छा करते हैं ना सिटी केबल में वो सारा तुम्हारा हस्बैंड बाहर नहीं जाता तुम बाहर चली जाया करो अब हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम आज यहाँ से जा रहे हैं आप रो मत मैंने पहले भी कहा अरे हम जहाँ आप लेके जाएंगे आपके साथ जा रहे हैं ना हम तो बार बार देखने बार बार देखो देखने जा रहे हैं तो हम भी बार बार देख लेंगे उसमें क्या है इनकी फिल्म बार बार देखो लेकिन इनका मुंह एक बार देख लो आप देख लो मैंने वो आपकी आम वाली एड देखी थी जो आम में से रस निकलता है ना जो आप ऐसे ऑटो में गिरता है मैं कहता हूँ बड़ा मीठा था अच्छा इनके आम में से रस निकलता है हमने आम लाए कीड़े वाले निकले आइए एक सेल्फी लेते हैं आपके साथ बहुत मजा आया आपको देख के मतलब जितना मुझे इसका मुंह गंदा लगा उतना आप दोनों को अच्छा लगा आइए मैं आपके साथ सेल्फी लेता हूँ आइए आइए आप देखिए हमारा ऐसा नहीं है मुंह इतना गंदा नहीं है आइए आइए आप भी इधर आइए हमारा आ ही नहीं रहा कवर करके खड़ा हो गया कटरीना आप इधर आ जाइए आपका हमको बाहर कर दो अरे बार बार रहो ध्यान से आपका मुंह आ रहा है बाहर हो जाओ सेक्सी तो मजा बिल्कुल बहुत मजा आप बहुत सेक्सी है
शर्मा ए कपिल शर्मा ए कपिल शर्मा ए कपिल शर्मा ए कपिल शर्मा रिंकू भाभी ये क्या बदतमीजी है ए बदतमीजी नहीं है ये इको इफेक्ट कहते हैं इसे ये क्या भौजी जो है वो गाती है हम इको देते हैं अरे पहले हेलो तो कर ले ऐसे कर जी व्हाट इज अप थैंक यू हेलो ए संतोष शेखर जी तो ठीक है हम जानते हैं ये चार छिला हुआ अंडा कौन बिठाया है दीज आर वेरी फेमस आवर इंटरनेशनल गेस्ट हेलो हेलो नमस्ते इतने गोरे इनका साइनिंग तो हमारे आंख में आ रहा है ये देखिए इतना वाइट वाइट है कि इनके पास तो काला धन भी कभी नहीं रहता होगा सिद्धू जी आज आप हमारा एक काम कर देंगे बोलो हमारा शादी इन चारों से करवा दीजिए है मैं कहती हूँ तुम तीन से शादी कर लो तीन से क्यों एक जाएगा वापस लंदन बता तो देगा कि बाकी तीन का जिंदगी बर्बाद हो गया गाइस यू मस्ट बी थिंकिंग हु इज दिस अगली पीपल आर I will tell you. These are also performer like you. You are group performer. Yes. They are also group performer. She is performer. She is group. आप दोनों को बुलाया यहाँ पे किसने? यहाँ पे international कलाकार बुलाए हो, national कलाकार बुलाए हो, और local कलाकार का जब बारी आए तो ऐसा भूल गए जैसे कान में बीड़ी खोस के भूल जाते हैं। तुझे बोल रहे हो नहीं तुम्हें कह रहे हैं कह रहे हैं कह रहे हैं कह रहे हैं मैं चुड़ैल हूँ वो तो आप हैं अब कहाँ गया तेरा इको हाँ इको अपनी जगह पे और सच्चाई अपनी जगह शेखर जी हम ये कहना चाहते हैं कि हम भी जो है आपकी तरह वर्ल्ड फेमस हैं अच्छा ऐसा हाँ। नहीं है कि आप आए हैं वो भी चारों हैं तो आप वर्ल्ड हो और आप फेमस हो खुश मत हो तेरा बेइज्जती हुआ है शेखर भाई ये ड्यूट म्यूजिक देते हैं ये सारे गामा करती हैं अच्छा ये पाधा करती हैं और जब ये पाधा करती हैं फिर कोई निशा की वेट नहीं करता आप ऐसा वैसा बात मत कीजिए और ऐसा बात करेंगे ना तो आपके मुंह पे डकार देंगे हम For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.